आपका क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. दे हैव गिवन यू पाई इज इक्वल टू 3.14. ठीक है, तो देखो ये आपका डायग्राम है, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस. तो अभी हम इसको नेम कर देते हैं, दिस इज योर ए, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया. ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल इज 60 डिग्री. तो हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री है. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो सेम चीज करते हैं तभी आपका शेडेड रीजन आएगा. तो इसमें हमने यहां पर लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो कौन सा ट्रायंगल है ये हमारा, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या है, रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहां पर दे उसने देखो क्या दिया हुआ है, उसने दिया है ट्रायंगल का साइड दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो ओनली ही हैज गिवन दिस साइड दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेडियस. तो सर्कल का रेडियस निकालना है आपको. ठीक है, तो इसने 6 सेंटीमीटर दिया है, तो अब वी विल राइट हियर 6 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, यहां से एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म करना है थ्रू सेंटर और यहां पर जॉइंट कर दो. तो दिस इज योर डी पॉइंट नाउ. तो अब आपका जो एडी है ये क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी. That means it forms a 90 degree here. ठीक है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, हमको AD जो हाइट है वो निकालना है पहले. तो AD की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 60 degree है और ये वाला साइड हमको पता है, वी आर नोइंग दैट. तो अगर ये देखो ये ट्रायंगल देखो, ए बी और डी को देखोगे तो इट्स एन राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमने यहां पर लिख दिया ट्रायंगल ए डी बी. ठीक है, अगर हम साइन ले रहे हैं तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस इज योर रेशियो. तो हमने क्या किया, यहां पर ले लिया साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू अपोजिट इज ए डी बाय हाइपोटेनस इज 6. तो साइन 60 डिग्री हमारा कितना होता है, रूट थ्री बाई टू. तो हमने यहां पर ले लिया रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू ए डी बाई 6. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ए डी आपका देखो क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 6 रूट थ्री बाई टू. इसको कट करोगे यू विल गेट ए डी इज इक्वल टू 3 रूट थ्री सेंटीमीटर. तो एडी तो हमारा निकल गया 3√3. अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो सेंटर है ओ, दिस इज योर सर्कम सेंटर, दैट मींस वो दोनों का सेंटर है. तो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो छोटा पार्ट है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो पार्ट इज बड़ा. तो दैट मींस ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज योर 2/3 और नीचे वाला पार्ट है ये है आपका 1/3. ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है. ठीक है, तो दैट मींस 1/3 ऑफ AD इज दिस पार्ट.
एंड 2/3 ऑफ एडी इज दिस पार्ट। तो 2/3 निकालेंगे तभी हमारा देखो ये रेडियस निकलेगा। तो नाउ वी कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एडी, दैट मीन्स 3√3। That is equal to, देखो कट हो गया 3 और 3, तो ये आपका आ गया 2√3 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। अब ये वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं, देखो हमारा क्या आता है। तो पाई, पाई इज वॉट दे हैव गिवन 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज 2√3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड √3 × √3 इज 3, 4 × 3 इज 12, ठीक है। माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इज 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है। इसको हमने कट किया तो ये हो गया 9, तो 9√3 हो गया। अब ये देखो 3.14 इंटू 12, इसको करते हैं हम यहां पर, तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6 एंड 4 1 3, तो ये आपका आ गया 8 6 7 3 एंड पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दैट मीन्स 37.68 माइनस। नाउ यहां पर भी हम क्या करेंगे, दो ही वैल्यू, तीन वैल्यू ले लेते हैं। हमारा क्या √3 क्या होता है 1.732 इंटू 9, तो इसको हमने किया तो कितना आ गया 9 2 18 वन कैरी, 9 3 27 प्लस 1 is 28 टू कैरी, 9 7 63 प्लस 2 is 65 सिक्स कैरी, 9 1 9 प्लस 6 is 50, तो ये आपका देखो यहां पर डॉट आ रहा है, तो 15.588 दैट मीन्स 15.59 वी विल टेक इट, ठीक है। राउंड फिगर में आपका देखो इट विल कम एज यहां पर 9 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो तो देखो क्या आ रहा है आपका 37.68 एंड यहां पर है 15.59, तो ये आपका हो गया 18 में 9 गया इज 9, 5 में 5 गया इज 0 और यहां पर बचा आपका 7 में 5 गया इज 2, 3 में 1 गया इज 2, 22.09 और यू कैन से 22.1, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 22.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आप राउंड फिगर कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा 22.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर आप लिख दो राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको करना है।